अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आरजी आगा नुमान और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर नापा, जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। आप जानते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और आज जो यहाँ पर इवेंट हो रहा है वो रीन्यूइंग ग्लोरी के नाम से एक इवेंट हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ लोक दास्तानों पर मुश्तमिल डांस परफॉर्मेंसेज हैं। एक जो है वो कल्चरल ग्रुप आया हुआ है लाहौर से, जो कि यहाँ पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेज देंगे, कल्चरल परफॉर्मेंसेज देंगे। बहुत सारे यहाँ पर सॉन्ग्स होंगे और बहुत सारी और भी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज होंगी। ये एक्टिविटी, ये जो इवेंट है वो आज से लेकर 30 जून तक जारी रहेगा, तो ज़रूर आइए नापा और इस इवेंट को देखिए, एंजॉय कीजिए। हम भी आपको इस इवेंट की अपडेट्स देते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एमकेएम पाकिस्तान की रहनुमा नसरीन जलील साहिबा, हम उनसे पूछते हैं इवेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, खुश हूँ। मैम कुछ इवेंट के बारे में बताइएगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी रूह की ग़िज़ा जो है वो आपको मिल रही है और एक ऐसा कदम उठाया गया है कि पंजाब का कल्चर जो है कराची में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो भी दूरियां हैं, जो इकाइयां हैं हमारे सारे प्रोविंसेस, उनमें सब बटी हुई हैं, तो ये कल्चरल इवेंट्स ये हमें एक दूसरे के करीब लाने में मददगार साबित होंगे और इनको खराज तहसीन है नापा को कि उन्होंने ये कदम पहला उठाया है और इस तरह से बुलाया है, और मैं समझती हूँ कि इसके अच्छे, बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे और हमें भी मौका मिलेगा कि हम एक तस्कीन होगी कि हम सब मिलकर कहीं पे भी बैठ रहे हैं और एक एक काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस देखिए, ये बड़ा खूबसूरत रंगारंग सा प्रोग्राम है जो मैं उम्मीद करती हूँ कि सब कराची के शहरी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। उसकी वजह ये है कि पंजाब की मिट्टी से जुड़ा हुआ कुछ फोक हम लेकर आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि एक बैनसूबाई जो सतह पर रवाबित दोबारा कायम हो सकाफत के, और लोग जाने कि हमारी जड़ें कितनी मुश्तरक हैं, क्योंकि आपको इन कहानियों में, इन फोक दास्तानों में सिंध का रंग नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा कि जो ये धमाल है ये सिंध से कैसे शुरू होकर पंजाब ने कैसे अडॉप्ट कर ली। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम है जिसमें पंजाब के रंगारंग जो प्रोग्राम है, जो कि हाँ वो रंग आप इन्जॉय भी करेंगे और उनमें आप ये भी देखेंगे कि ये धागे एक ही बुनत के हैं, हम सब उसी कपड़े का हिस्सा हैं जिसमें हम सब एक साथ जुड़े हैं, हमारे रंग भी एक हैं, हमारा फैब्रिक भी एक है, और उम्मीद है कि सब एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा इवेंट के बारे में कुछ। मैं तो समझती हूँ ये लाशारी साहब जो है ना, ऐसे लोग जो हैं इन कल्चर को प्रमोट करते रहते हैं और करते रहना चाहिए, और लाशारी साहब और हम टेलीविज़न, मतलब हम लोग, मैं समझती हूँ इस तरह के लोग, जावेद जब्बार या एक बार जावेद, ऐसे लोग हैं जो कि इनको कहना चाहिए कि ये हैं असली एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, कि जो यहाँ का कल्चर चीज़ें उनको कायम रखे हुए हैं, कितना मुश्किल हो, कितना तकलीफ़ हो, परेशानी हो, लेकिन वो अपने कल्चर को, इसको नहीं भूलते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो आज का शाम सबको बड़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे पता है लाशारी साहब जो भी करते हैं अच्छा ही होता है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ साहब, हम उनसे पूछते हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट है और आज का इवेंट के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं, हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कुछ बताइए, ये जो कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, इवेंट हो रही है, ये कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है? जी कराची आपको पता है कि मरकज़ है हमारे पाकिस्तान में, जितनी भी
कल्चरल और हेरिटेज के सिलसिले में एक्टिविटीज़ होती है, तो नापा ने ये एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो मुर्तब किया है, इसमें काफ़ी सारी जो ना कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, आप डांसर्स भी देखेंगे, सॉन्ग्स भी हैं, काफ़ी जो हमारे लेजेंड्स हैं वो भी आएंगे अपनी टॉक्स। अभी आप आज की जो स्टार्ट है वो आपने देखा होगा कि जो वर्ल्ड सिटी लाहौर वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के जो हैं डीजी साहब कमरान लाशाही साहब, उन्होंने अपनी जो ना जो काविशें हैं वो भी बताई और उसके बाद फ्यूचर जो के प्लान्स हैं वो बताएं। तो ये जो हमारे पाकिस्तान में पॉजिटिव साइड पे जितने भी काम हो रहे थे ना, तो वो बेसिकली उसका मकसद है शोकास हों, लोगों को पता चले कितना हमारा कल्चर रिच है, कितना हेरिटेज है हमारी। जी बिल्कुल। तो ये और दूसरा ये भी बड़ी अच्छी बात है कि हर कल्चर के लोग आ रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि किसी मखसूस इलाके के हैं, हर कल्चर के लोग आते हैं और बाकी जो शहर है जैसे कराची है उनको भी मौका मिले कि वो पंजाब का कल्चर देखें, केपीके का जो ना डांस देखें, और इस तरह ये लोगों को दरमियान में दूरियां ख़त्म करती हैं, उनको एंटरटेनमेंट फ्राहम करती है और एक नॉलेज भी देती है। तो ये बड़े जो शहर होते हैं जिंदा दिल शहर होते हैं उनकी एक निशानी होती है कि ज़्यादा ज़्यादा एक्टिविटी, उस सिलसिले में एक कवश है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये था खूबसूरत सा इवेंट और एक बहुत ही कल्चरल एक्टिविटी से भरपूर क्लासिकल मौसीकी और लोक दास्तानों मुश्तमिल डांस परफॉर्मेंसेस और क्या नहीं, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस थी जो कि हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर भी किया और हम आने वाले दिनों में भी शेयर करते रहेंगे। तो आप देखिएगा, मैंने तो यहाँ आकर बहुत इन्जॉय किया, जितने भी यहाँ पर आर्टिस्ट थे सब ने बहुत बेस्ट परफॉर्मेंसेज दी और एक बहुत ही यादगार इवेंट रहा और बहुत थैंकफुल हूँ नापा का कि उन्होंने इतना खूबसूरत यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। तो इसकी अपडेट्स भी आप हमारे साथ देखते रहिएगा, इसके हाइलाइट्स भी आपके साथ शेयर होती रहेंगी, तो देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।